को जो भी गलत फहमी दूर करिए। कर लव मी। ईशा यहाँ पर है ही नहीं। ईशा कोई नहीं है। कर मुझसे प्यार करता है। मेघा एक मिनट शांत हो जाओ, हमारी बात सुनो। नम्रता जी ठीक कह रही, तुम्हें गलत फहमी हुई। कर ईशा से प्यार करता है। हमने तुम्हें रिंजिम, विकी, गाड़ी निकालो बेटा। जी। अविनाश, मैं नहीं नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, मम्मी का ख्याल रखिए। संभालना पड़ेगा। संभालना अविनाश, मुझे खबर करना। ध्यान से विकी। धोने दीजिए, ऐसा अन्याय मत कीजिए उसके साथ। बहुत दुख देखे हैं उसने, उसके अरमानों का खून मत कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए। तो जाने गुस्से में वो क्या कर बैठे, उसकी रक्षा कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु। लो ईशा, कॉफी पी लो, मैंने अपने हाथों से बनाई है। भाई कभी कभी मैं भी अच्छी कॉफी बना लेता हूँ। अच्छी है ना? नाइस कॉफी। मैं तो सोच रहा हूँ जब तक हमारी शादी हो तब तक मैं खाना बनाना भी सीख। एक मिनट, तुम मुझे क्या समझते हो? डू यू थिंक मैं तुम्हें? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। आई नो यू गोना बी अ वेरी नाइस वाइफ, वंडरफुल वाइफ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब हमारी शादी हो तो लोग ये कहें कि ईशा का हस्बैंड भी कितना अच्छा खाना बनाता है, कितना अच्छा घर का काम करता है, सारे काम कर लेता है। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं आज तुम कितनी सुंदर लग रही। यू रियली लुकिंग वेरी प्रिटी। यू नो ये जो पिंक कलर है ना, तुम पर बहुत सूट करता है। थैंक यू ईशा। यू नो समथिंग, मुझे अब भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। पूछो क्यों? क्यों? मुझे तुम जो मिल गई हो। तब तो मुझे भी अपनी बाकी की जिंदगी में
भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। सच? अच्छा अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो मिलेगा क्या? यू नो वेरी वेरी रॉन्ग टाइमिंग्स, आई विल जस्ट कम। हेलो। हेलो गर्ल। हाँ गर्ल, विक्की है यार, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? क्या हुआ अगर? विक्की का फोन था। वो एक्चुअली मॉम उसके घर में गए हैं हमारी शादी की बात करने के लिए। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? पता नहीं अब क्या होगा। इसीलिए जब रिमझिम आंटी भी यहाँ पे आई थी काफी टेंशन में थी। मुझे तो लग रहा था कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेघा को ये बात इस तरह मालूम हो। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कहीं वो कुछ करना बैठे। डोंट वरी ईशा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर एक ना एक दिन तो मेघा को सब पता लगना ही था। मेघा वो गर्व, मुझे सिर्फ इतना पूछना है, तुम मुझसे प्यार करते हो? मेघा मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। गर्व नहीं, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? रिलैक्स मेघा, मेरी बात तो सुनने की कोशिश करो। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। हाँ या ना? मेघा You shut up! तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। गर्व, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? देखो। Don't judge me! मेघा, 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 मेघा,
मेघा मेघा मेरी बात सुनो, मेघा 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 मेरी बात तो सुनो। मेघा रुको, जो चाहती थी वो कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने, फिनिश्ड। लेकिन तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। मेघा हमारी, मेघा मेघा आंटी ध्यान से जाइएगा। आंटी ईशा मैं भी जाता हूँ मेघा के, ध्यान से। हाँ ईशा बेटा मेघा यहाँ पर आई थी क्या? जी अंकल। ठीक है मैं भी देखता हम घबराइए मत भाभी, हमारी मेघा को कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम सब हो। मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं। आज उसे जो सदमा पहुंचा है, जिस दुख से वो गुजर रही है, इसकी जिम्मेदार तुम सब हो। क्योंकि ईशा को इस घर में रखने की वकालत तुम सब ने की थी, देख लिया उसका नतीजा। भाभी, ईशा और रिमझिम इस घर के दुश्मन हैं। जब तक वो दोनों यहां रहेंगे, इस घर में खुशियां कभी नहीं आ सकती। मैंने तो पहले चेतावनी दी थी कि एक दिन ईशा इस घर की बर्बादी का कारण बनेगी, मगर मेरी बात किसी ने न मानी। आज पहली बार मेघा की जिंदगी में खुशियों का मौका था, वो भी छीन लिया उसने। कैसे पागलों की तरह बिहेव कर रही थी देखा तुमने, न जाने गुस्से में वो क्या कर बैठेगी। मेरी बच्ची के सारे अनुमान मिट्टी में मिल गए। कितनी खुश थी वो, हम भी कितने खुश थे, सपने देख रहे थे, उसकी शादी होगी, घर में शहनाइयां बजेंगी। पता नहीं उसकी नसीब में क्या लिखा, क्या सोचा था और क्या हो गया। हे भगवान उसकी रक्षा करो, मेरी मेघा की रक्षा, मेरी मेघा को।
गाड़ी कहाँ चली? पता नहीं आज क्या होने वाला है, ना जाने क्या करेगी मेघा। उसका गुस्सा बहुत खतरनाक है। हे भगवान,